Let's talk about the chapter called Relations and Functions. Relations के बाद functions और functions में किस टाइप के functions उस पर ये videos होंगे. So this is basically video not talking only relations but basically functions. So relations से functions तक पहुँचेंगे. आइए सबसे पहले हमको समझना है कि relations क्या होती हैं और फिर उसमें से कौन से ऐसे relation होते हैं जो function हो सकती हैं. हर relation फंक्शन नहीं हो सकता परंतु फंक्शन पहले रिलेशन होगा. सपोजिंग आपके पास ए और बी दो सेट थ्योरी के सेट्स हैं. आप ए क्रॉस बी निकालना चाहते हो. सो ए क्रॉस बी में क्या होगा, ए क्रॉस बी विल बी 1, a 2, b 3, a एटसेट्रा. मतलब पहला एलिमेंट ए से होगा, दूसरा एलिमेंट बी से होगा. दैट इज ऑल. दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर. इसका नाम ऑर्डर्ड पेयर इसके लिए क्योंकि उसमें ऑर्डरिंग फिक्स है. पहला एलिमेंट ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट बी से आएगा. इसको हमने डिफाइन कर दिया, रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी. द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट इन अ ऑर्डर्ड पेयर. इनमें से कोई सा भी एक या दो या तीन या सारे लेकर के रिलेशन बन जाएगा. वो रिलेशन अलग अलग बनेंगे, इन्हीं में से बनेंगे रिलेशन. मतलब 1a कैन बी वन रिलेशन, 1b कैन बी वन रिलेशन, 2a कैन बी वन रिलेशन, 1a, 2a कैन बी वन रिलेशन. ऐसे कोई भी रिलेशन, मतलब जैसे आपके सामने छह चीजें हैं, छह में से कोई भी एक से लेकर के छह तक जोड़कर कोई रिलेशन बन सकता है. सेकेंड एलिमेंट इमेज कहलाती है और पहला एलिमेंट उसकी प्री इमेज कहलाता है. एलिमेंट इमेज है बी वाला और वो पहला वाला प्री इमेज. इसमें आप समझे डोमेन वर्सेज रेंज. ए सेट के जितने भी एलिमेंट उस रिलेशन में हैं उसका नाम डोमेन होता है और उनका रिलेशन बी से जितने बी में हैं उनका नाम रेंज है. आप सोच सकते होंगे ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में एग्जांपल में 1, 2, 3 था कि डोमेन 1, 2, 3 होगी और रेंज ए बी होगी. ऐसा नहीं है. अगर मैं रिलेशन बनाता ही 1, a एंड 2, a बना रहा हूं मैं, तो मेरे पास डोमेन में सिर्फ दो ही तो एलिमेंट आएंगे जो मैंने यूज किए. रिलेशन के अंदर हम वो वाले एलिमेंट्स लेंगे जो ए क्रॉस बी के हमने यूज कर लिए, व्हाटएवर वी हैव यूज्ड. रेंज सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन द रिलेशन, देयर विल बी रेंज. होल सेट इज कॉल्ड कोडोमेन. मतलब 1, 2, 3 आपके सामने पहला सेट था, दूसरा वाला a, b था. a, b कोडोमेन है रेंज में जो आपने इस्तेमाल करिए. लेकिन ए के सारे एलिमेंट्स का कोई अलग से नाम नहीं है. ए के सिर्फ वही एलिमेंट काम में आते हैं जो डोमेन में होते हैं, मतलब जिनका रिलेशन आप यूज कर रहे हैं. इनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास एक रोस्टर मेथड होता है जो आपने सबसे पहले में देखा. फिर एक रिलेशन सेट बिल्डर मेथड है. इसमें आपको बता दिया जाएगा ए और बी का रिश्ता, कि ए बी का भाई है, बी ए की माता है, वगैरह वगैरह. और तीसरा वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन, इसमें एरो डायग्राम बनाया जाता है. इनफैक्ट एरो डायग्राम से आप ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं क्वेश्चन, तो वो आपको दिखाया जाएगा एक आध, जिससे आप बेहतर समझ सकें. अब रिलेशन बन कितने सकते हैं, देखिए ए और बी में कितने एलिमेंट है सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा. पिछले जो आपको एग्जांपल दिया उसमें एक में दो थे, एक में तीन थे, तो छह एलिमेंट बने थे. यहां पर अगर एक में पी एन क्यू है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी क्यू होंगे, तो कितने रिलेशन बन पाते हैं, 2 to the power pq. इतने रिलेशन टोटल बन सकते हैं क्योंकि हो सकता है आप उसमें एक एलिमेंट लें, हो सकता है दो लें. पिछले वाले एग्जांपल में आपके पास छह थे एलिमेंट्स जो रिलेशन ए क्रॉस बी में आए थे, तो 2 to the power 6 इज टोटल नंबर ऑफ रिलेशन विच यू कैन मेक. बेसिकली सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन को यूज करके रिलेशन बन जाती है, जितने भी आप बनाना चाहें. अब इस सेशन में आपको क्या समझाना है, फंक्शंस क्या है, कोडोमेन, डोमेन, रेंज, रियल फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं. फिर आपके पास सेकेंड पॉइंट में सेकेंड वीडियो का आएगा, वो बताएगा किस प्रकार के फंक्शंस हैं. कॉम्पोजिशन फंक्शन क्या होती है, इनवर्स किसे कहते हैं, इनवर्स फंक्शन का क्या होता है, एलिमेंट का क्या होता है, ये अब आपको इसके सेकेंड वीडियो में आएगा. पहले में हम पहले ही चीजें कवर कर रहे हैं. आइए ये तो आपको अभी बता दिया, वही चीज दोबारा रीड करी, क्योंकि रिलेशनल फंक्शन को में आपस में रिश्ता है तो आपको रिलेशन पहले समझना पड़ता है. अब आउट ऑफ दीज 2 to the power m रिलेशन सम आर कॉल्ड फंक्शंस और मैपिंग्स फ्रॉम ए टू बी प्रोवाइडेड फॉलोइंग 2 conditions होल्ड द रिलेशन. दो कंडीशन अगर इनमें से फॉलो हो जाती हैं, जितने भी आपने एलिमेंट्स चुने हैं, तो वो फंक्शन बन सकता है. पहला, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स ऑफ बी. मतलब ए के अंदर कोई भी एलिमेंट अनरिलेटेड नहीं बचना है.
याद रखिएगा, ए में अनरिलेटेड से मेरा मतलब है जितनों का आपने रिलेशन बनाया है। जैसे जो पुराना एग्जांपल, मैं उसी को एग्जांपल करूं, एक दो तीन, आपके पास तीन एलिमेंट थे ए में। अगर आपने रिलेशन ही बनाया 1A, 2A, तो आपके डोमेन में कुल 1 और 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, क्योंकि 3 आपने रिलेशन में नहीं लिया। ए क्रॉस बी में जो चीजें हैं सारी जरूरी नहीं अब रिलेशन में लें। आगे देखिए, हर एलिमेंट ए का एक ही एलिमेंट से चलेगा, मतलब एक एलिमेंट ए का दो एलिमेंट्स बी को नहीं टच कर सकता। ए का रिश्ता दो बी में नहीं, मतलब आपके पास जो हमारे पास एलिमेंट है उसकी दो इमेजेस नहीं हो सकती, जबकि किसी एलिमेंट की प्री इमेजेस दो हो सकती हैं। इसको आप डिटेल में आप समझिएगा। देखिए, अब इसको समझने के लिए मैंने मैपिंग से समझाया। दो कंडीशन याद रखिए, हमारी कंडीशन ये थी। अब हम मैपिंग से बात करेंगे आपके सामने। ये दो हमने लिए, ए और बी। इसमें देखिए, ए के चारों एलिमेंट कंजर्व्ड है, उनका कोई ना कोई रिश्ता है, तो ये फंक्शन बन सकता है। दूसरा केस लीजिए, इसमें आपने चारों रिश्ते बना तो दिया आपने, 1, 2, 3, 4 के, परंतु तीन का रिश्ता ए और डी में जोड़ दिया। मैंने आपको बताया दो कंडीशन, पहली बात ए में कोई खाली नहीं बचना और ए का कोई भी एलिमेंट दो बी को टच नहीं कर सकता। इस वाले में ए के चारों एलिमेंट तो यूज कर दिए हैं, लेकिन आपने दो बी पर टच कर दिए, मतलब तीन के दो इमेजेस बना दी ए और डी, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता, जबकि ये वाला पहला वाला फंक्शन है। अब नेक्स्ट केस देखिए, नेक्स्ट में आपने क्या किया, हर एक का एक से रिश्ता है, तो ये फंक्शन फिर बन जाएगा। यहां देखिए, फिर से आपने भले ही आपने चारों को बी से जोड़ दिया, क्योंकि सिर्फ बी में जोड़ा, तो आपके एलिमेंट चार प्री इमेजेस की एक इमेज है, ये पॉसिबल है। यहां पर देखिए, 2 और 4 की इमेज सी है, ये पॉसिबल है, परंतु 3 की दो इमेजेस पॉसिबल नहीं है। और इन चारों में आपने चारों को यूज किया, 1, 2, 3, 4, तो पहली कंडीशन आपने सब चारों में सेटिस्फाई करी। अगर किसी में चार का कोई भी एक एलिमेंट यूज नहीं होता तो भी वो फंक्शन ना होता। दो कंडीशन अब आई, ए जो है डोमेन कहलाएगा, बी को डोमेन कहलाता है जो फंक्शन में है। अब बी के कितने एलिमेंट आपने यूज कर दिए वो रेंज में आते हैं। जो बी में ज्यादा एलिमेंट बच सकते हैं, मैंने आपको फंक्शन की कंडीशन बताई थी कि ए में कोई भी चीज बचनी नहीं चाहिए, वंस यू हैव डिफाइन फंक्शन, लेकिन बी में बच सकता है। तो बी के सारे एलिमेंट मिलकर तो है कोडोमेन, और बी के वो वाले एलिमेंट जो यूज हो चुके हैं उनका नाम है रेंज। अब आप सोचेंगे अगर ए में कुछ बच जाए, सर ए में कुछ बच गया तो फंक्शन ही नहीं रहा, ए में कुछ बच गया तो फंक्शन नहीं, बी में बच गया तो कोडोमेन और रेंज अलग अलग हो सकते हैं। बस हमेशा कोडोमेन रेंज से बड़ा या इक्वल हो सकता है। अब यहां एग्जांपल देखिए, ए बी फंक्शन बनाया, इसमें रिलेशन बना दिया, ए और बी दोनों का रिश्ता हमने एक से कर दिया, तो इसका डोमेन क्या बना, ए बी कोडोमेन तो पूरा ए कॉमा बी है, लेकिन रेंज सिर्फ एक है। कोडोमेन देखिए, हमने सबका नाम दे दिया, लेकिन रिलेशन बताते हुए हमने बताया कि R7 की जो रेंज है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है। दूसरे में देखिए, कोडोमेन आपके पास, इसमें कोडोमेन 1, 2 दोनों यूज हो गए हैं, और डोमेन ए भी है, रेंज 1, 2 है, दोनों बराबर हैं। अब इक्वल फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन बराबर कब होते हैं। देखिए, दो फंक्शंस को बराबर होने की कंडीशन है कि दोनों का डोमेन सेम हो। दोनों के जो एक्स कोऑर्डिनेट है या ए कोऑर्डिनेट है वो सेम हो, फिर दोनों की रेंज सेम हो, रेंज नहीं कोडोमेन सेम हो, और तीसरी बात जो सबसे जरूरी है, fx और gx बराबर हो फॉर ऑल x इन डोमेन, दोनों में वही एलिमेंट वहां टच करें, तभी। अगर दीज कंडीशन होती है तभी वी कैन लेट f इक्वल टू बी। इनके सबके एग्जांपल आपके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे डिटेल्स में। अब मैथमेटिकली हमको रिलेशन के बारे में, रिलेशन को फंक्शन के कन्वर्स, कौन सा रिलेशन फंक्शन है ये कैसे प्रूव होगा, ये देखिए, दो फंक्शन हैं आपकी ए टू बी हैं, तो फंक्शन के लिए ए क्रॉस बी का सेट, मैंने आपको पहले बताया कि ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट्स को लेकर आप रिलेशन बनाएंगे, उन्हीं से फंक्शन बनाते हैं, क्योंकि रिलेशन होना पहले जरूरी है, फंक्शन बाद में होता है, एफ इज अ फंक्शन। लेकिन कंडीशन क्या है, पहली बात ए एलिमेंट फॉर ऑल ए, ये एलिमेंट यहां पर वर्ड ए होना चाहिए, थोड़ा गलत हो गया, ये ए ए का होना चाहिए, ये बी बी का होना चाहिए, और ए बी दोनों फंक्शन होना चाहिए, पहली कंडीशन ये हो गया। ये तो ऑर्डर्ड पेयर की कंडीशन होगी।
लेकिन अगली कंडीशन ये भी, अगर एक्स और वाई दोनों बराबर हैं तो एफ एक्स एफ वाई भी बराबर हो जाए। ये पता है कौन सी कंडीशन है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये वो कंडीशन आई कि अगर हमने कभी भी डोमेन के एक पार्ट को दो में टच नहीं करना है, इमेज दो नहीं बन सकती उस, इस प्रकार की बातें नेक्स्ट वीडियो में आपके पास फिर आएंगी। फॉर मोर सच वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब टू माई न्यूज चैनल, माई यूट्यूब चैनल, यू कैन ज्वाइन मी फॉर माई ऑनलाइन कोर्स ऑल्सो, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट माई ईमेल आई डी। एनी डाउट्स यू कैन रेफर टू मी, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।